बैठो। मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे घर वाले, 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 मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे घर वालों, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे घर वालों, मेरे प्यारे घर वाले, मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे घर वाले, मुझे माफ, मेरे प्यारे घर वालों, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे घर वाले, मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे घर वाले, इसको हेल्प करो, इसको जाने दो। अगर पांच लोग गए उनमें से दो को सजा किस बात की? कुछ तो होगा, वो बताएंगे। क्लियर नहीं किया, कुएं को खुश रखने की भाई उनके नियम हम क्या बोले? नहीं पर नियम के पीछे कारण होना चाहिए ना, तर्क के आधार पर नियम बनते हैं। ये बात बिग बॉस से पूछनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, सजा किस बात की, क्या गलती करी उन्होंने? रीजन पूछा उन्होंने, सजा तो वो दे रहे हैं। रीजन पूछा कि दो लोगों की इसको सजा दिलवाना चाहोगे? अरे किस लिए सजा? सजा के पीछे कोई अपराध होता है ना सर? वो तो बिग बॉस बताएंगे ना। दीपक भाई एक बात बोलूं, देखो बुरा मत मानना सब लोग जितने भी हैं, देखो जो चीज़ें हैं जैसे अभी उनका नाम है, इनका नाम है, इनका नाम है, तो ये तो इस गेम का रूल है ना कि चीज़ें खराब सही तो चलती रहती है इस गेम में। जैसे अभी कोई गेम है वो भी करनी पड़ेगी, टास्क भी करना पड़ेगा, ओके, वो पनिशमेंट भी। मैं बाद में सोच रहा कि हम पे, पर उन्होंने बोला कि दो वही ना यार, अगर ये पता होता कि आई एम सॉरी वाली है तो अच्छा थोड़ी लगता है यार। अगर ये बताती तो फिर मैं बोल देता कि भाई किसी का नाम मत, आई एम सॉरी वाला होता तो कौन ही नाम लेता है यार, सिंपल सी बात है। इन्होंने शिवानी ने लिया इनका नाम, हाँ शिवानी ने इनका लिया, इन्होंने शिवानी का लिया, वो तो हर जगह यही होता है। ये शिवानी की है, तेरा भी यही होता है, झाड़ देखी है। I can't trust. चीकू के पापा भी यही बोल रहे थे। I can't trust. होता है कभी कभी। But बहुत serious नहीं ना अगर। Serious है मतलब अगर वो लड़की अगर कल कभी बहुत ज़्यादा गहरे सोच में चली जाएगी ना। तब मतलब अभी शायद जो अभी वो जैसा रो रही थी और जैसे एकदम हैवी थिंकिंग में चली जाएगी। वो बहुत सोचती है, वो मुझे बोल भी रही थी मेरा बहुत पेन हो रहा है सुबह। तो और उसके अलावा अगर उस बिग बॉस OTT3 सीजन के बारे में जिसमें शिवानी कुमारी और अरमान मलिक का मेन रोल हो रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि जो शिवानी कुमारी है बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करती हैं और बहुत ही सीधी सादी लड़की हैं, तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए शिवानी कुमारी के साथ, ना कि अरमान मलिक के साथ, क्योंकि अरमान मलिक जो है वो बस अपनी बीवी के साथ ही
ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं, और इस शो में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये दिख रहा है कि वो अपनी बीवी को लेकर ही चल रहे हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो गेम खेल रहे हैं शिवानी के साथ। पता नहीं क्यों शिवानी को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं वो, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिवानी को सपोर्ट करिए, और मेरा भी वोट शिवानी के तरफ ही जाएगा।